नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 एंटरटेनमेंट। इस वक्त एक बड़ी दुखद खबर आ रही है बॉलीवुड की दुनिया से, रंगमंच की दुनिया से। प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी और प्रसिद्ध अभिनेता गिरीश कर्नाड जी का बेंगलुरु में निधन हो गया है। गिरीश कर्नाड जी 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है और ये एक फिल्म जगत के लिए, बॉलीवुड के लिए और कला के क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विशिष्ट जनों ने, फिल्म जगत की कई हस्तियों ने इस मामले में शोक व्यक्त किया है और बताया है कि ये अपूर्णीय क्षति है। जहां तक गिरीश कर्नाड का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि रंगमंच की दुनिया में जिस तरीके से उनकी एक धमक थी, जिस तरीके से उनका एक पहचान था, थिएटर उनका पहला प्यार था और बाबा कारंत से लेकर अलका इब्राहिम जी और ये जितनी बड़ी शख्सियतें थिएटर में रही हैं, चाहे इरफान हबीब हो या ये अरविंद गौड़ हो, ये जितने लोग हैं वो इसी परिपाटी, इसी पीढ़ी के हैं जिस पीढ़ी के गिरीश कर्नाड थे, जो आज इस दुनिया से चले गए। गिरीश कर्नाड के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनकी आखिरी जो फिल्म थी वो था, एक था टाइगर और दूसरी फिल्म थी टाइगर जिंदा है। आपने उस फिल्म को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि गिरीश कर्नाड ने उस फिल्म में नाक में नली लगाई हुई है। तो ये जो नली है वो स्क्रिप्ट और कथानक का भाग आप समझ सकते हैं, लेकिन इसके इतर सच्चाई ये है कि गिरीश कर्नाड को वाकई में डॉक्टरों ने वो नली लगाई थी जिसके जरिए उनको फ्लूट दिया जा रहा था, दवा दी जा रही थी, उनकी इस हद तक उनकी तबीयत खराब थी। तो ये जो उनका जज्बा, ये जो प्यार है सिनेमा के प्रति या थिएटर के प्रति, आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे बिरले इंसान वो थे जो आज इस दुनिया से चले गए। गिरीश कर्नाड का जो जन्म है 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के माथेरान में हुआ था और ये इनके बारे में एक और सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी मैं ये बोलूँगा कि कन्नड़ भाषा, हिंदी भाषा या अंग्रेजी, इन तीनों पर इनको समान अधिकार था, समान रूप से ये सक्षम थे। ये एक विद्वान लेखक थे, साहित्यकार भी थे और आपको ये आश्चर्य जानकर होगा या हिंदी सिनेमा या सिनेमा के इतिहास में ये एक पहले ऐसी शख्सियत हैं शायद जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य का मिला है। इसके अलावा गिरीश कर्नाड 10 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं अपनी कला के बल पर। तो इंडियन पैरेलल सिनेमा में गिरीश कर्नाड का जो स्थान रहा है, आप श्याम बेनेगल की फिल्में देखेंगे, जब आप मंथन फिल्म देखेंगे, जब आप देखेंगे कि वहां किस तरीके से स्मिता पाटिल और इनके बीच में एक मूक मधुर प्रेम संबंध या लगाव या अट्रैक्शन जो होता है, वो निश्चित तौर पर पर्दे पर दिखा पाना वो गिरीश कर्नाड के ही बूते की बात थी। इसके अलावा जब हम बात करेंगे गिरीश कर्नाड की तो हमारे जहन में आता है आरके नारायण का वो ये मालगुड़ी डेज, उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी जिसके ऊपर दूरदर्शन में एक धारावाहिक बना था और जिसमें एक छोटा बच्चा था स्वामी, जिसके पिता का इन्होंने किरदार निभाया था और उसको जीवंत कर दिया था। इसके अलावा गिरीश कर्नाड की अगर हम बात करें तो आप फिल्म इकबाल में भी देख सकते हैं। गिरीश कर्नाड की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत, दक्षिण फिल्मों से लेकर उत्तर के फिल्मों तक समान अधिकार रहा है और रंगमंच और कला की दुनिया में जो स्थान गिरीश कर्नाड का है वो शायद ही कोई और अभिनेता उस स्थान पर काबिज हो सके। गिरीश कर्नाड के जाने के बाद जो खालीपन, जो सूनापन रंगमंच की दुनिया में हुआ है उसको भर पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको याद होगा कुछ साल पहले, करीब एक दशक पहले के लगभग, इरफान हबीब की जब मृत्यु हुई थी तभी भी यही बात आई थी, जब बाबा कारंत की मृत्यु हुई थी तब भी ये बात आई थी। तो ये जो शख्सियतें हैं जो रंगमंच की, आप एनएसडी में चले जाइए, एनएसडी में लोग गिरीश कर्नाड का नाम लेते ही जैसे लगता है कि उनके सामने एक रंगमंच का जीता जागता एक ईश्वर खड़ा, एक भगवान खड़ा है। तो वो दर्जा गिरीश कर्नाड को था। आज गिरीश का जाना निश्चित तौर पर कला और साहित्य की दुनिया और सिनेमा की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और ये झटका आने वाले समय में शायद ही भर पाए। न्यूज़ 24x7 एंटरटेनमेंट आप देखते रहें, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।